हेलो। सर हीटर ए बॉइल्स अ बकेट ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स एंड बी बॉइल्स द सेम बकेट इन 5 मिनट्स। वट इज द टाइम टेकन टू बॉइल द सेम बकेट ऑफ वाटर व्हेन द हीटर्स आर जॉइंड इन वन सीरीज सेकंड पैरेलल। हाँ बिल्कुल हो गया था। डिस्कशन बाकी था ना इसका। यस सर डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे बस एक बात ध्यान देनी है तुमको कि पावर ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। हीटर तो रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। हीटर एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। यस तो अगर हमको हीट रिक्वायर्ड है, एच मान लो एक बैकेट को रिक्वायर्ड करने के लिए, मतलब हीट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो एच है, ठीक है। और हीटर का पावर अगर पी है, तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हीटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। जी सर नहीं, व्हेन आई से पावर ऑफ द हीटर इट मींस व्हाट? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर पर यूनिट टाइम, राइट। यस हाँ, तो अगर एक हीटर जो है हीट प्रोड्यूस कर रही है टाइम टी में, ठीक है, पी, तो टी टाइम में कितना हीट क्रिएट कर रही है? पी टी, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, है ना। सर टाइम कंज्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। जी सर सो टाइम कंज्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। यस ठीक है, तो अब आप ध्यान सोचिए कि टाइम कंज्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, यानी 1/p इक्वल टू क्या हो गया? पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो आर बाय वी स्क्वायर। तो अब बताइए होम सप्लाई में क्या कॉन्स्टेंट रहता है? वोल्टेज ही करंट। सर होम वोल्टेज सप्लाई में जब आप किसी भी सॉकेट से ज्वाइन करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, यानी वी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, यानी टी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। क्या हो गया? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हाँ, टी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर अरेंजमेंट लेंगे रजिस्टर का, तो ऑब्वियसली द टाइम कंज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि मान लो जब खाली ए लगाते हैं, तो मान लो टाइम टी ए लग रहा है, तो टी ए प्रोपोर्शनल टू आर ए, टी बी प्रोपोर्शनल टू आरबी आर बी, और पैरेलल का जो टाइम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल, यस ठीक है। ओके, तो और सीरीज का जो टाइम है वो आर इक्विवेलेंट टू सीरीज, नहीं। सर तो बताइए जो आर इक्विवेलेंट है पैरेलल का वो क्या है? पैरेलल का आर इक्विवेलेंट क्या है? आर वन आर टू बाई आर, ठीक है। तो पैरेलल का जो टाइम आ गया वो ये आ गया, आर ए आर बी बाय आर ए प्लस आर बी जी हाँ टी ए टी बी, ठीक है। ये आ गया? सर नहीं, यस आर ए प्रोपोर्शनल टू टी ए है ना, आर बी प्रोपोर्शनल टी बी डाल लिया, राइट। और सीरीज का टाइम कितना हुआ? ऐड हो जाता है ना, ठीक है।
यस सर। तो बताओ क्या आंसर हुआ तुम्हारा? सर पैरेलल का तो 50/15 हो गया। हाँ प्रोडक्ट बाय सम 50/15। यस 50/15 को सिंपलीफाई कर दो 10/3 मिनट। यस सर 10/3। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस। और इसमें जब सीरीज में लगा देंगे तो सर 15 मिनट। क्लियर है? यस सर जी। ठीक है तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से कर लोगे। ठीक है भाई? ठीक है। तो पावर का यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, खासकर हीटिंग में तो यूज करते ही हैं, और इसके बेस्ट प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो तुमसे हो जाएंगे। यस यस। ठीक है ना? ओके जी सर। राइट डन। ठीक है ना भाई? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आएंगे, एक रजिस्टर जो है ऐसे इतना देर में हीट कर रहा है, वैसे हीट कर, सीरीज में लगाएंगे कितना टाइम लगेगा, पहले लगाएंगे कितना टाइम लगेगा, इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है? यस। ओके नेक्स्ट बताइए। सर यही था। हाँ तो ये हो गया पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पावर ऑफ हीटर का। ठीक है, और इसको इस तरह से अप्रोच करेंगे। मतलब ये ध्यान देना कि यूजुअली होम सप्लाई में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वी कॉन्सेप्ट रहता है, और उसी हिसाब से आर और आई वेरी करते हैं, जैसे आर उसी हिसाब से भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है हाँ सेवांग बताओ। रिपीट कर देंगे, मेरा ऐप नहीं चल रहा था और लेट से जॉइन। ओके लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, अगर तुमको याद हो, कि अगर एक हीटर 5 मिनट में गर्म करता है, दूसरा हीटर 10 मिनट में गर्म करता है, तो दोनों हीटर को अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो कितना गर्म करेगा, कितने देर में गर्म करेगा, और पैरेलल में लगा देंगे तो कितने देर में गर्म करेगा, है ना? Yes. तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लो हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो एच है, कितनी है, और जो पावर क्रिएट हो रहा है पी, तो टी टाइम में कितना हीट क्रिएट होगा पी टी? जी होगा ना, टी टाइम में कितना हीट क्रिएट होगा पी टी, तो टी कितना आ गया, टी कितना आ गया एच बाई पी। हाँ, और चूंकि एच तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि उसी बकेट ऑफ वाटर को बार बार गर्म करना है, तो उसको बरन गर्म करने के लिए जितना हीट चाहिए वो तो सभी सेम ही लगाना है ना हर बार। यस सर। तो एच हो गया कॉन्स्टेंट, इसका मतलब टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, राइट? ठीक है। और रजिस्टर में, किसी भी रजिस्टर में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, होता है ना? यस सर। तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर, क्योंकि वी तो कांस्टेंट होना है ना, होम सप्लाई में कांस्टेंट रहता है। Yes. नहीं, होम सप्लाई में जब भी आप वोल्टेज की बात करते हो तो किसी भी सॉकेट में वोल्टेज तो सेम ही रहता है ना, चाहे आप उसमें एसी यूज करें, चाहे आप उसमें चार्जर यूज करें, चाहे उसमें हीटर यूज करें, है ना? Yes. तो बेसिकली टाइम प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ठीक है जी सर। तो टीए प्रोपोर्शनल टू आर ए, टीवी प्रोपोर्शनल टू आर बी, और पैरेलल में जब लगाएंगे तो कितना टाइम होगा, टाइम टी पैरेलल विल बी प्रोपोर्शनल आर इक्विवेलेंट पैरेलल। ठीक है, आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हो ना, आर ए प्लस आर बी, आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हो सीरीज में आर ए प्लस आर बी, और आर ए आर बी प्रोपोर्शनल टू टी ए प्लस टी बी, तो सीरीज में जो टाइम कंज्यूम्ड हो जाएगा वो टी ए प्लस टी बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पैरेलल में क्या होगा, आर ए आर बी बाई आर ए प्लस आर बी, यानी टाइम प्रोपोर्शनल। अब वैल्यू जो है वो डाल देना। ठीक है हाँ, ये हो गया पावर कंज्यूम का कॉन्सेप्ट, और कैसे उसको हम टाइम से रिलेट करते हैं, जैसे हीटिंग वगैरह में टाइम का रिलेशन कैसे यूज करना है। क्लियर है? एक्चुअली पावर का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, आई भी होता है, इसको आप वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो, नहीं? यस सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक डाउट था। हाँ बताओ सर, मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी कम होती है और आयनिक सॉल्यूशन में बढ़ती है, तो सर इसका मतलब रीजन क्या हो गया? मुझे अच्छा, मेटल में क्या होती है पहले बताओ, और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्यों होती है सर?
मेटल का तो मैकेनिज्म मैंने अच्छे से करा रखा है ना। अरे वो हमने डिराइव तो करा रहा, एवरेज वेलोसिटी निकाला था ना मीटर में भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक फैक्टर क्या आता था, टाउ आता था जी सर। टाउ क्या था सर? टाइम बिटवीन कोलिजन। कौन सा टाइम सर? इलेक्ट्रॉन का मतलब वो रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन था ना? यस सर यस। अच्छा ये बताओ, एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन किस पे डिपेंड करता है? सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पे। यस। और एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, रैंडम एवरेज रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। यस। तो अब ये बताइए, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम स्पीड का क्या होगा? जैसे वो तो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह ही है ना सर, वो स्पीड तेज हो जाएगी। तो स्पीड तेज हो जाएगी तो ज्यादा तेजी से कोलाइड करेगा या कम तेजी से कोलाइड करेगा? सर ज्यादा तेज से। हाँ, यानी टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। यस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा सर? वो ज्यादा हो जाएगी। अरे भाई मेरे टाउ ऊपर आता था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वेशन में, कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कम हो जाएगी यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोलिजन ज्यादा तेजी से होने लग जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो टाइम बिटवीन एवरेज कोलिजन कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है जी। और ये बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो सिग्मा क्या हो जाएगा, जे क्या होगा? कम होगा ना। यस। सिग्मा यानी कम हो जाएगा, सिग्मा कम हो जाएगा, रो बढ़ जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ क्लियर है, समझ आया? हाँ सर। अब ये तो बेसिकली क्या होता है कि एक बेसिकली क्या होता है कि किसी मेटल में जो फंडा है रेजिस्टेंस का या करंट का, वो क्या है? एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन का यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा है ना। यस। हाँ, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाती है, यानी टाइम बिटवीन एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन कम हो जाता है। और अगर एवरेज टाइम कम हो जाता है तो उसे करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाता है और ऑब्वियसली करंट डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जे एनईवीडी होता है वो कम हो गया और करंट कम हो गया, ठीक है। और सिग्मा जो सिग्मा ई होता है, ठीक है, तो सिग्मा क्या हो गया, एनईवीडी हो गया ना भाई। yes. वो क्या हो गया सिग्मा? हाँ, तो सिग्मा क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया? कम हो गया। और रो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यानी इन जनरल किसी मेटल का क्या होता है, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ, यहाँ एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ओके ओके okay, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आयोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आयोनिक सॉल्यूशन में मान लो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन्स का मूवमेंट तेज हो जाता है कि क्या हो जाता है? सर मूवमेंट तेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मूवमेंट तेज हो जाएगा तो उस मूवमेंट तेज होने की वजह से तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। yes. तो वहां तो गैस टाइप का फंडा नहीं है ना भाई। yes. हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो करंट बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। yes. हाँ, तो आयन में मतलब मुझे लग रहा है अगर आयन में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसलिए बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाती। हाँ, क्लियर है जी। हाँ ओके। अच्छा ये बताओ, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है?
सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर की सब्सटेंस की बात करें, जैसे जर्मेनियम हो गए, सिलिकॉन हो गए, इनमें क्या होता है? सर उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी सर, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तीनों के अलग अलग कारण है। सर सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं ना, ठीक है, वो उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। मतलब उसमें दो बैंड होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं वो मूव करते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, लेकिन जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो नहीं मूव करते। वैलेंस बैंड का मतलब ये हो गया ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम से ही बंधे हुए हैं, ठीक है, और जो एटम को छोड़ के थ्रू आउट द वॉल्यूम मूव कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस, कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके थ्रू आउट द वॉल्यूम मूव कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं एटम के साथ उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। हाँ, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करते हैं, कंडक्ट कौन करते हैं? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन क्या होता है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बढ़ता चला जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में थे वो जम करके कहाँ पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड। हाँ, तो होता क्या है सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो टाइम टेकन फॉर एवरेज कोलिजन तो कम होता है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं और वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो जे जो एन ई वीडी होता है, सोचो अगर वीडी कम हो गया लेकिन एन उससे ज्यादा बढ़ गया तो टोटल क्या रिजल्ट क्या हो गया? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। हाँ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब तुमने क्वेश्चन पूछा है उसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ठीक है, लिख लो ये पूरी कहानी का पैसेज बना लो, ये बहुत जरूरी है, कई बार आएगा क्वेश्चन, लिखो या लिख लोगे या लिखोगे? लिख ही लो, मुझे लग रहा है बच्चे फिर भूल जाते हैं बाद में। ठीक है, लिख लो, अगर समझ में आ गया हो और अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत है मैं लिखवा देता हूँ। सर एक बार लिखवाई, लिखवा लो, ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टॉपिक को नाम दो इफेक्ट ऑफ आ रही है आवाज? Yes, हाँ, वो सॉरी, वो yes, sir. बीच में गलती से वो हो गया था। ओके, यस, अरे एक बार, ठीक है, हाँ सुनो तो लिखो, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन रेजिस्टिविटी।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन रेजिस्टिविटी लिख लिया। Yes. हाँ ठीक है, लिखो पहले लिखो मेटल, केस ए मेटल, किसमें? मेटल में। Yes. लिख रहे हो? Yes. हाँ लिख लो। इन केस ऑफ मेटल करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इन केस ऑफ मेटल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन, व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ऑफ रैंडम स्पीड। विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ऑफ रैंडम स्पीड। ठीक है, राइट? ठीक है, एंड रैंडम स्पीड is proportional to root of absolute temperature. And random speed is proportional to what? Root of absolute temperature. Okay. Just like molecules of ideal gas. Okay. प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जस्ट लाइक आइडियल गैस। ठीक है, ठीक है, दस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, frequency of collision increases and relaxation time decreases, thus on increasing the temperature frequency of collision increases, hai na? Yes. Aur kya uske baad? Relaxation time decreases. Relaxation time decreases and also and consequently J and sigma decreases. And consequently J and sigma decreases and resistivity increases. ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज। अरे
एक मिनट इनको बोलता हूँ। ये एक मिनट ठीक है। ठीक है जी सर। हाँ हाँ ठीक है ओके। हाँ ठीक है भाई ओके। अब यहाँ एक टर्म है, जानते हो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होता है उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ठीक है क्लियर है? लिखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ब्रैकेट में लिख दो अल्फा इज गिवन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ब्रैकेट में लिख दो अल्फा इज गिवन एज डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बताओ? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज गिवन एज डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। क्या बोलेंगे इसको लैंग्वेज में बताओ? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है लिख लो ब्रैकेट में, यहाँ इसके साथ ब्रैकेट में ये लिख लो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है yes. हाँ तो ये तो हो गया। ठीक है अब इसका एक विजुलाइजेशन होता है कैसे, तुम जानते हो कि एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ऐसे लिख सकते हैं यस। सो व्हाट इज डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी। डेल्टा रो ये आएगा ना भाई। हाँ टेम्परेचर का ऑप्शन अल्फा रो नाम दे रहे हैं मान लो। ठीक है तो ये बताओ ये क्या है अल्फा रो है नहीं? ये क्या है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है नहीं? ये वाला पार्ट समझ में आया? अरे तुम लोगों ने थर्मो में पढ़ा होगा ना टेम्परेचर चेंज करते हैं लेंथ चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग ठीक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ बोलते हैं ना। यस सर। उसी तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एरिया बोलते हैं ना सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। याद होगा तुम लोगों? यस सर। तो जो बीटा होता है वो टू अल्फा होता है ना? यस सर। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है ना अल्फा रो वो अल्फा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है अल्फा रो की जो वैल्यू होती है मेटल में वो
मतलब मान लो अल्फा रो की वैल्यू है 10^-4 और अल्फा की वैल्यू 10^-6, तो जब हम इनका सम करेंगे तो कौन डोमिनेट करेगा? बताओ, अल्फा रो डोमिनेट करेगा कि ये डोमिनेट करेगा? कौन डोमिनेट करेगा? अल्फा रो। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकली ये जो टर्म है वो किसके बराबर है? अल्फा रो। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रैक्टिकली सेम ही होती है। क्या होती है? यानी फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज टेम्परेचर और फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज टेम्परेचर की प्रैक्टिकली वैल्यू सेम ही हो जाती है, लेकिन टर्म दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लेंथ का जो चेंज है और एरिया का जो फ्रैक्शन चेंज है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एज कम्पेयर विद अल्फा रो। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? Yes. यानी फाइनल रेजिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आर डैश इज इक्वल टू आर अंडर ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है सर? हाँ, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये सब कैसे है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस चेंज करेगा ना भाई? यस सर। तो फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टेंस कितना हुआ? डेल्टा आर बार। हाँ, तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज टेम्परेचर? डेल्टा आर बार डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ देखो, आर अगर रो एल इनटू रो एल बाय ए है तो आर को हम लोग लिख सकते हैं रो टू द पावर 1 इनटू एल टू द पावर 1 और ए टू द पावर -1। तो ये क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज करूंगा डेल्टा आर बाय आर को लिख सकता हूँ, डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा एल बाय एल माइनस डेल्टा ए बाय ए। मैथमेटिकली ये है, मैं तो डिफरेंशिएशन से आया आया समझे? जैसे एरर में करते नहीं थे, याद है? Yes, हाँ, तो अब हम लोग इनकी वैल्यू रख दें। ये तो होता है अल्फा रो, पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म होता है अल्फा और तीसरा वाला टर्म होता है -2 अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर विद अल्फा रो, तो प्रैक्टिकली दे आर इक्वल टू व्हाट? अल्फा रो। इसका मतलब ये हो गया कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है प्रैक्टिकली दे आर सेम थिंग। यस सर। यानी अगर शुरू में रेजिस्टेंस आर है तो टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग? सर डेल्टा आर प्लस आर। हाँ, यानी यही आएगा ना? यस सर। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेम्परेचर चेंज करने से कैसे रेजिस्टेंस वेरी होता है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ चेंजिंग द टेम्परेचर वेरीज रेजिस्टेंस। क्लियर है? Yes. है ना भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अच्छा, जानते हो यहाँ पे कई बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे, जैसे इक्विवेलेंट रो पूछ लिया ऐसे, जैसे मेंस में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे दो कंडक्टर का अरेंजमेंट दे दिया तुमसे, पूछा इक्विवेलेंट रो निकाल सकते हो? Yes. ये करवाया था ना मैंने, इक्विवेलेंट रो कैसे निकालते हैं? No. नहीं करवाया था? नहीं। इक्विवेलेंट रो करवाने वाला क्वेश्चन करवाया था? इक्विवेलेंट रो का मतलब ये होता है कि उसी ज्योमेट्री का क्या सिंगल मटेरियल ले कि रेजिस्टेंस वही है जो अभी आ रहा है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रो बोलेंगे। ठीक है? यस सर।
जैसे कोई ज्योमेट्री दिया हुआ है, दो कंडक्टर का कोई ज्योमेट्री दिया हुआ है, तो अगर मैं एक सिंगल मटेरियल का वही ज्योमेट्री जनरेट करूं तो क्या रो की वैल्यू लें कि वही रेजिस्टेंस आए, तो उस रो को हम लोग इक्विवेलेंट रो बोलते हैं। क्या इक्विवेलेंट? ठीक है, तो ये फंडा है तुम्हारे पास। चलो इक्विवेलेंट रो अभी मैं कैलकुलेट करवाऊंगा अभी, ठीक है, और इक्विवेलेंट अल्फा भी कैलकुलेट करवाऊंगा, दोनों कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है। यस सर। हाँ सर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का अल्फा रो स्टैंडर्ड वो ये डेल्टा आर वाई आर डेल्टा टी? नहीं सर, मतलब वो अल्फा रो होता है या अल्फा खुद ही होता है, मतलब वो अभी सिंबल तो आपने ये अल्फा रो मैंने इसलिए लिख दिया है, सिंबल तो कुछ भी तुम ले सकते हो ना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। और प्रैक्टिकली जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वही टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। यस सर। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद अल्फा रो, ठीक है। यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर, बट आपने लास्ट में यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी लिखा है ना, अल्फा रो टी लिखा है। अच्छा ये ठीक है, ठीक है, अल्फा रो होना चाहिए। अच्छा वो गलती से मैंने अल्फा लिख दिया, अल्फा रो होना चाहिए, ठीक है, ये अल्फा रो होना चाहिए, राइट? जी सर। अब सही है? हाँ जी सर, मतलब यस सर। ठीक है, ये अल्फा रो ही होना, ये अल्फा रो है ना, इससे डेल्टा आर क्या आ गया, आर अल्फा रो डेल्टा टी आ गया, है ना, और ऐड कर दिया, ठीक है भाई। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये तो एक कहानी हो गई किसकी, ये मेटल की हुई, किसकी हुई? मेटल। हाँ ये बात जो है ना, ये जो डिफिनेशन लिखवाया है यहाँ से, यहाँ ये तुम इवन मेटल नॉन मेटल किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन जो वैल्यूज की हम लोग बात करेंगे तो जो मेटल का अल्फा है वो तो पॉजिटिव आएगा अल्फा रो, और बताओ सेमीकंडक्टर का अल्फा रो क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? सेमीकंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होती है। क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी कम होती है। हाँ तो अल्फा रो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ओके। हाँ लिखो कुछ उसका आप कहानी लिख लो, सेमीकंडक्टर नाम दो दूसरा, मेटल हो गया। यस। मेटल का हो गया ना भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है मेटल पे, हो गया ना, ठीक है। अब लिखो क्या, सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर लिख रहे हो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, लिखो, लिख रहे हो? यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, लिख रहे हो? यस सर। लिखो, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड more and more electrons jumps from valence bond to band to conduction band, when temperature is increased more and more electrons jump from when temperature is increased
more and more electrons jumps from valence band to conduction band. ठीक है? Yes. When temperature is increased, more and more electrons jumps from valence band to conduction band. हाँ. Increasing the concentration of, ठीक है, mobile electrons. Increasing the concentration of mobile electron, ठीक है? Mobile electron मतलब जो electron move कर सकते हैं. And consequently, conductivity increases and resistivity decreases. And consequently, conductivity increases and resistivity decreases. ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. जब ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. और रेजिस्टिविटी क्या होती है? घटती है. हाँ, तो बताओ व्हाट विल बी अल्फा रो फॉर सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. हाँ, लिख लीजिए. For semiconductor, alpha rho is negative. ठीक है? For a semiconductor, alpha rho is negative. Clear है? Yes. हाँ. ठीक है? चलिए. अब हम लोग ना दो क्वेश्चन करेंगे. एक तो क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंट रो के लिए और इक्विवेलेंट अल्फा के लिए. ठीक है भाई? करें? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करेंगे उसको अभी हम लोग करते हैं. ठीक है, लिख लो. फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फॉर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर. फिर इक्विवेलेंट अल्फा की बात करेंगे. क्वेश्चन समझ आया? हाँ, इसका मतलब क्या है लिख लो. एक लाइन में मतलब इसका लिख लो. ठीक है, इफ the total geometry is replaced by single material, if total geometry is replaced by single material to give the same resistance, if total geometry is replaced by single material to give the same resistance. If total geometry is replaced by single material to give the same resistance. ठीक है? Yes. हाँ. If the total geometry is replaced by single material to give the same resistance, rho of that material is called rho equivalent. ठीक है? Yes. हाँ. जैसे अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मेंस में काफी सारे आते हैं, तो चलो उनको हम लोग ऑब्जर्व करें. जैसे दो ऐसे कंडक्टर हैं, मान लो टू कंडक्टर्स ऑफ लेंथ एल एंड ये लेंथ 2L है. क्या है? Two conductors of length L and 2L respectively are joined in series. ठीक है?
two conductors of length L and 2L. Two conductors of length L and 2L respectively are joined in series. ठीक है? Yes, sir. They have same cross-sectional area. ठीक है. And resistivity is 2 rho and rho respectively. ठीक है भाई? दिख रहा डायग्राम? दिख रहा ना? Yes, sir. And resistivity 2 rho and rho respectively. ठीक है? Okay. What is the equivalent resistivity of the combination? इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या है ये बताना है. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन? सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन? अभी मैंने जो लाइन लिखवाया है बस उसको यूज करना है और कुछ नहीं करना. चाहे सीरीज हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, वही यूज करना है. यानी पूरा अरेंजमेंट को अगर मैं सिंगल मेटेरियल से रिप्लेस करूं तो एक ऐसा मटेरियल अच्छा ये दब गया होगा हो सकता है. क्लियर है? यस सर. बताओ और रो कितना? फोर टाइम्स रो. फोर तो नहीं आएगा भाई, रो और टू रो के बीच में ही होगा ना. मतलब उसी ज्योमेट्री को अगर मैं सिंगल मटेरियल से रिप्लेस करूंगी सेम रेजिस्टेंस आए तो बोलेंगे ना. आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है चल. हाँ क्या रहा है? 4/3 रो. देखो कुछ क्या कह रहा है लैंग्वेज, क्या कह रहा है? अगर हम उसी ज्योमेट्री को सिंगल मटेरियल से रिप्लेस कर दें, यानी ये है मान लीजिए ये लेंथ L है, ठीक है, ये लेंथ 2L है, तो अब हम अगर सिंगल मटेरियल लेंगे तो उसी एरिया का लेंगे और कितने लेंथ का लेंगे? 3L. हाँ तो मान लो उसका रेजिस्टेंस रो इक्विवेलेंट को रो ही नाम दे दिया मैंने. क्या नाम दिया? रो ही. ठीक है ठीक है. तो अभी बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? इसका तो हो गया रो एल बाई ए और इसका हो गया रो इंटू 2L बाई, ये 2 रो था ना? Yes, sir. इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? R1 मान लो, तो R1 कितना हुआ? 2 rho L बाई. और R2 क्या हुआ? 2 rho L बाई. ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 rho L बाई.
कितना? 4 नहीं, अच्छा इसमें अगर मान लो रोई है, ये 3L है, ये A है, तो इसका क्या होगा? रोई इंटू 3L बाई A, ये होगा ना भाई? यस सर। हाँ तो इसको किसके बराबर होना चाहिए? इसके, तो इसको इक्वेट कर दो, तो सॉल्विंग इट इक्वल, रो इक्वेलेंट क्या आ गया? फोर रो बाय थ्री, नहीं? Yes. क्यों भाई? Yes. ठीक है, आ रहे ना समझ में? Yes, sir. अच्छा इसी में बताओ, अगर यही इक्विवेलेंट अगर मैं तुमको इनका पैरेलल अरेंजमेंट क्रिएट करता तब पूछता तो क्या आंसर देते? देखो ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, अक्सर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरेलल अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। Yes. लिख लो, ए सिलेंडर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर, ठीक है, ए सिलेंडर इज, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर, ठीक है, ए सिलेंडर इज अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? हाँ, अरेंजमेंट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है? यस। हाँ, इनर वन हैज रेडियस अप टू आर बाय टू एंड रेजिस्टिविटी टू रो, मतलब अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखे तो इसका रेडियस कितना है? R by 2 और रेजिस्टिविटी 2 रो है, ठीक है भाई? एंड आउटर वन है, आउटर वन का क्या रेजिस्टेंस है, रेडियस क्या है? ये रेडियस नहीं लेते, ए ले लेते हैं रेडियस, ठीक है ना भाई? ए बाई टू, और बाहर वाले का ए है, ठीक है ना भाई? और इसका रेजिस्टिविटी रो है, क्या है? क्लियर है? Yes. और पूरे सिलेंडर का जो लेंथ है वो कुछ कुछ भी है, ठीक है, वो पता नहीं मुझे, तुम ले सकते हो, कुछ मान सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इफ द करंट फ्लोस अलोंग लेंथ? बताइए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इफ द करंट फ्लोस अलोंग लेंथ? What is the equivalent resistivity if the current flows along length? Clear? अगर length के along current flow कर रहा है, तो equivalent resistivity क्या होगी? What is the equivalent resistivity if current flows along length? बताइए, आर यू सॉल्विंग? यस। हाँ बताइए, करंट अगर लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी?
हेलो सर। हाँ नाइन रो क्या 8/9 रो है ना, 4/9 रो आ रहा है? पता नहीं, मैंने भी मतलब ऑपरेंट वैल्यू सेलेक्ट की है, सॉल्व करके बता पाऊंगा। सर एरिया बाहर वाले के बराबर लेना है ना? एक मिनट, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब की बात करेंगे ना, तो अंदर वाले का रेडियस कितना है? 0 से a/2। सर हाँ, बाहर वाले का एरिया तो a/2 से a तक होगा ना भाई, ये तो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया ना मैंने। यस। जो डायग्राम मैंने दिखाया है वो तो क्रॉस सेक्शनल व्यू का दिखाया ना जी सर। तो सब सोचो ना, ये पैरेलल अरेंजमेंट हो क्या? यस सर। Here the arrangement is actually the parallel arrangement, and what we are observing is the cross sectional view. Okay? Are you not following me? That is the one. Solve karu? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? वही कॉन्सेप्ट है भाई, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा सा उससे ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, दूसरा व्यू क्या सर? आपने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया ना, ये दूसरा वाला व्यू। देखो ये है, मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूँ। देखो डायग्राम क्या है, देखो ये जो सिलेंडर है ना, ये ऐसे है, a/2, और इसके साथ में ये दूसरा लगा हुआ ए तक, यानी यहां से यहां तक कुछ और मटेरियल है और यहाँ कुछ और मटेरियल है, ऐसे है ये, ठीक है? ओके अब आया समझ में? आ रहा नहीं समझ में भाई? तो ये जो दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यानी करंट यू फ्लो कर रहा है लेंथ के पैरेलल। तो तुम सोचो ये दो का सीरीज अरेंजमेंट है, क्या है? हाँ नहीं सॉरी, दो का पैरेलल अरेंजमेंट है सर। हाँ पैनल में जब हम रिप्लेस करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब किसके बराबर लेंगे? अच्छा ये बताओ, इनर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? अच्छा π a² / 4। अच्छा, और आउटर का रेडियस कहाँ से शुरू हुआ? a/2 से a/2 तक है ना? यस सर। तो π a² - π a² / 4 कर दोगे? π a² / 4। हाँ, तो यहाँ पे l1 जो है वो l है और l2 भी l है, ठीक है? a1 है π a² / 4 और a2 है 3π a². हाँ ठीक है भाई। और ρ1 जो है वो है, रो अंदर वाले का रो दिया था कि टू रो दिया था? टू रो। और बाहर वाले का रो दिया। रो, ये कैसे अरेंजमेंट हुए? पैरेलल हो गए। तो r1 कितना आ गया भाई? रो l/a, यानी कितना आ गया इनर वाले का सर? 8 रो l/π² हाँ ठीक है। और r2 क्या आ गया? 4π l/3π a² 4 ρ l। ये हाँ, अब ध्यान से सोचो, ये जो अरेंजमेंट है ना ये पैरेलल है, क्यों है? सेम पॉइंट। हाँ दोनों के एंड तो सेमी पॉइंट से जुड़े हुए हैं ना, ये और ये सब सेम पॉइंट से जुड़े हुए, ऐसे भी कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है ना, ये भी, ये सारा कॉमन पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है? तो दोनों के एक एंड एक कॉमन पोटेंशियल पे है, दूसरे एंड उधर कॉमन पोटेंशियल पे है, ठीक है? तो R1 R2 का कैसा अरेंजमेंट है ये?
पैरेलल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे कितना हुआ रेजिस्टेंस? 8/7 रूल बाय पाई इसको। हाँ तो आर ई हमारा हो गया कितना? 8/7। हाँ 8/3 24/4 28/3 8/7 हुआ। यस रूल बाय पाई रूल बाय पाई स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये पूरी ज्योमेट्री का सिंगल मटेरियल रखते तो रेजिस्टेंस कितना होता? मान लो आ रही है उसका, तो मेरा आंसर होता कितना? रो ई बाय रो ई इनटू एल बाय पाई स्क्वायर। सही है, बाहर वाले के बराबर लेना। अरे तो सेम ज्योमेट्री को रिप्लेस करना है ना। अच्छा तो सेम ज्योमेट्री को रिप्लेस करने के लिए किसके बराबर एरिया लोगे? सब पूरा बाहर वाले। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो, ये पूरी ज्योमेट्री को एक सिंगल मटेरियल से भरना है। जी नहीं आया समझ में? आयस यही ना लैंग्वेज में भी तो लिखवाया था, इफ द सेम ज्योमेट्री इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल मटेरियल। ठीक है ना? ओके तो अब आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर है आपका, इसका मतलब क्या है? सर 8/7 रो। ये देखो ये बहुत पॉपुलर एस्पेक्ट है, आजकल खूब मेंस मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो आंसर क्या आया? 8/7 रो। ठीक है, अब देखो इन ज्योमेट्री पे बेस्ड तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं बट आइडिया ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी ज्योमेट्री तुम क्रिएट कर लोगे जरूरत पड़ने पे ना। राइट ठीक है। हाँ अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट में। अगले पार्ट में क्या है, रेजिस्टिविटी तो क्लियर हो ही गया ना भाई? यस। हाँ ऐसे केस में कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी भी पूछ सकते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, हम कम्बिनेशन का आर निकालेंगे, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेल्टा आर निकालेंगे, फिर डेल्टा आर या डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है? हाँ बोलो। तो अभी क्या बोला आपने? मैंने ये कहा कि इसी तरह से कई बार ना कम्बिनेशन का अगर हमको पूछा जाए अल्फा क्या होगा, अल्फा रो क्या होगा, तो बता सकते हैं? तो जैसे मान लो हम लोग क्या करें, कम्बिनेशन का डेल्टा आर निकाल लेंगे जी सर, और फिर आर डेल्टा टी लगा देंगे। Yes, ठीक है। Yes, sir. Okay? Yes, sir. नहीं आई बात सुनने? आ गए? क्वेश्चन करा दें जी सर। सीरीज में तो देखो बड़ा लॉजिकल सा बन जाएगा, मतलब आसान बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलो सीरीज वाला मैं करा देता हूँ, पैरेलल वाला तुम कर लेना। ठीक है? ओके ओके। ये देखो एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ये आर वन है, ये आर टू है। ठीक है भाई, इसका टेम्परेचर आर वन आर है, आर टू टू आर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टू अल्फा है, इसका अल्फा है। क्लियर है? आ रहे समझ में? यस सर। हाँ तुमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट अल्फा फॉर द कॉम्बिनेशन, अल्फा इक्विवेलेंट बताना है। कैसे बताओगे बताओ? व्हाट इज द इक्विवेलेंट अल्फा फॉर द कॉम्बिनेशन? ये पहला वाला रेजिस्टेंस आर है, दूसरा है टू आर, तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट अल्फा कैसे निकालेंगे?
समझ आ रहा है? नहीं बताइए, तुम ये बताओ शुरू में हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 3R है। अच्छा मान लो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया है, तो पहले वाले में कितना चेंज हुआ? आर टू अल्फा डेल्टा टी हुआ, हुआ ना भाई? आर वन प्लस टू अल्फा डेल्टा। हाँ मतलब चेंज कितना हुआ? यस यस यस। चेंज कितना हुआ? आर टू अल्फा डेल्टा टी। और दूसरे में कितना चेंज हुआ? टू आर अल्फा। सेम ही चेंज हुआ ना, टू आर अल्फा डेल्टा टी। यस सर। तो टोटल चेंज कितना हो गया? फोर आर। हाँ तो इक्विवेलेंट, अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट का चेंज अपॉन ओरिजिनल इक्विवेलेंट बाय डेल्टा टी। ये होगा ना भाई? यस सर। तो क्या हुआ ये? फोर आर अल्फा डेल्टा टी बाय कितना? 3R डेल्टा टी, है ना? तो आंसर क्या आया? 4/3 अल्फा। हाँ ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है। अच्छा इसमें पार्ट बी लिख लो, होमवर्क है, लेकिन वो तुम करके आना, तुम्हारा लॉजिक लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल लॉजिक लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लिख लो। व्हाट इज द अल्फा इक्विवेलेंट इफ बोथ द रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल। ये होमवर्क है, करके लाओगे। ठीक है। व्हाट इज द अल्फा इक्विवेलेंट इफ बोथ द रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल। ठीक है, ये होमवर्क है, करके लाओगे ना? इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक लगेगा डिफरेंशिएशन का, ये ध्यान देना। ठीक है, करके लाना लेकिन। ठीक है। yes. हाँ तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सीरीज का और पैरेलल का। ठीक है भाई। yes. अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो हो गया, अब हम लोग आते हैं अरेंजमेंट ऑफ बैटरीज पे। ठीक है, जानते हो बैटरी का क्या काम होता है? नाउ वी आर मूविंग टू बैटरीज, चलें। हाँ बैटरीज और उनके अरेंजमेंट पे, अरेंजमेंट शायद आज ना हो पाए लेकिन बैटरीज पे तो चले ही जाएंगे। ठीक है। ओके सो देखो ये बैटरी है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को? है ना भाई? यस। ठीक है, तो बैटरी में ना एक छोटा टर्मिनल होता है, एक बड़ा टर्मिनल होता है। छोटे टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव। ठीक है, तुमने एक वर्ड सुना होगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी, सुना है? यस सर। क्या होता है ईएमएफ? इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट बिकम्स जीरो। हाँ दो डिफिनेशन होते हैं ईएमएफ के, एक पोटेंशियल वाला होता है। ओके ये हमको यूजुअली हम लोग ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिख लो। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। ठीक है, EMF of the battery is defined as potential difference between its terminals. ठीक है, okay, when no current or negligible current is drawn from it. ठीक है, okay, या तो कोई करंट नहीं ड्रॉ करें या नेग्लिजिबल करंट, मतलब करंट चल भी रहा है बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटा करंट। ठीक है, ओके।
तो उसके पोटेंशियल टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं? TM. हाँ ओके okay? एक और बात लिख दो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the work done by the battery when unit charge flows from negative to positive terminal inside battery. Yes. ठीक है? Yes, sir. It is also defined as work done by the battery when negative charge flows from negative to positive terminal inside the battery. ठीक है? Yes, sir. मतलब मैथमेटिकली लिखे तो ऐसे लिखेंगे, मान लो ये डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, सपोज कितना है? डेल्टा क्यू. तो इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू में बैटरी ने कितना वर्क किया? DW. ठीक है, तो EMF कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, अगर डेल्टा क्यू यहां से यहां आ जाए तो बैटरी ने कितना वर्क किया? DWB. तो DWB बाय डेल्टा क्यू को हम क्या बोलेंगे? EMF. हाँ ये तो ऑब्वियस है ना. तो एन से एम पे चला गया अगर कोई चार्ज, तो कितना पोटेंशियल गेन किया? तो उसका एनर्जी चेंज कितना हुआ? ई डेल्टा क्यू हुआ ना भाई. हाँ, लेकिन ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर अंदर में ऐसे फ्लो होगा ना तब बैटरी वर्क करेगी, और अगर उल्टा फ्लो हो जाए तो उल्टा बैटरी पे वर्क किया जाएगा. जैसे बैटरी को चार्ज वगैरह करते हैं ना, तो बैटरी पे बाहर से वर्क करते हैं, बैटरी से वर्क नहीं लेते हैं. क्या कर रहे होते हैं? बैटरी के ऊपर वर्क. हाँ, यानी अब तुमको एक बात पता चल गई, वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला क्या हो गया? E डेल्टा क्यू E. हाँ, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया है और ई में पी है, किस सेंस में? लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव. हाँ, और अगर बैटरी के अंदर उल्टा फ्लो हो जाए तब क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन द बैटरी. हाँ, यानी वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है ना? Yes. ओके तो बैटरी के अंदर चार्ज फ्लो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना भाई? यूजुअली जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है ना, तो उसके अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है वो किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव में. ठीक है, ओके. और उल्टा फ्लो अगर हो जाए तो क्या होगा? उल्टा हम बैटरी पे वर्क कर रहे होंगे. ठीक है, यानी कोई और पावरफुल बैटरी होगा जो ऐसा कर रही होगी. जैसे बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो उल्टा फ्लो होता है. ठीक है. Yes. Sir? हाँ. So, ये, E is equal to DW by delta Q, V equal to W by Q सा है ना? मतलब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अगर वो हुआ तो शायद वो तभी वैलिड होगा ना जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. हाँ, वो तो चार्ज का फ्लो जब देखो, जब स्टेडी करंट होता है ना, तो हम तो यही मानते हैं कि जो एवरेज करंट का जो रेट ऑफ फ्लो है वो तो सेम ही है ना सब जगह, तो चार्ज का स्पीड थोड़ी चेंज होगी. जब सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो होता है तो स्पीड थोड़ी ना चेंज होती है. सर, इस फॉर्मूले को लेने के लिए मतलब उसको देखना जरूरी होगा या नहीं होगा? नहीं, उसको देखना जरूरी नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग मान के चलेंगे सुपर चेंज नहीं हो रहा. ठीक है जी. हाँ, तो इस तरह से ईएमएफ डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब जानते हो ईएमएफ तो एक आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, लेकिन मान लो अगर बैटरी के टर्मिनल के अंदर कोई रेजिस्टेंस है, क्या है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, जो कि होगा प्रैक्टिकली. बैटरी के अंदर तो क्या होता है भाई? लिक्विड होता है. Yes. नहीं, तो उसमें जब चार्ज का फ्लो होगा, आयंस का मोशन होगा, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली? Yes. हाँ, तो ऑब्वियसली दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ रेजिस्टेंस तो है ही ना भाई. यस सर. तो मान लो अगर बैटरी के टर्मिनल
कैपिटल्स के बीच कुछ रेजिस्टेंस है और चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा भी सिग्निफिकेंट करंट हुआ अगर, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना उस रेजिस्टेंस में। यस सर। तो अगर बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं तो उस तरह के बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल बैटरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है टर्मिनल्स के बीच उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, लिख लो। इन रियल बैटरी देयर इज रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इन रियल बैटरी देयर इज रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड एज दिस। लिखे, इन रियल बैटरी देयर इज रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स कॉल्ड क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता तो बैटरी के अंदर है लेकिन रिप्रेजेंटेशन में इसको बाहर लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज गिवेन एज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट, इन दैट का मतलब दैट रेजिस्टेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज गिवन एज वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू ई माइनस क्या आई आर, ठीक है। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज आई, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज आई, ठीक है भाई, ये समझ में आया कैसे आया। yes. मान लो ये नहीं होता तो ई होता, लेकिन इसके वजह से माइनस आई आर आएगा ना भाई, मान लो करंट क्यों फ्लो कर रही है आई, क्यों माइनस आई आर जो यहाँ आएगा वो तो एक्चुअली अंदर आ रहा है ना। yes. हाँ, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन ईएमएफ हो सकता है। Can potential difference between the terminals of the battery exceed EMF? No. ध्यान से सोच के जवाब दो। Yes, sir. Current opposite. हाँ, जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, यानी करंट अगर बैटरी थ्रू अपोजिट चार्ज कर रहा हो, तो ऐसे केस में EMF से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना भाई। यानी अगर उल्टा करंट फ्लो करवाएंगे तो Vm minus Vn क्या हो जाएगा, E plus, हाँ लिख लो एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। इफ करंट फ्लोज इन अपोजिट सेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज मोर देन ई, इफ करंट फ्लोज इन अपोजिट सेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज मोर देन EMF. हाँ, क्लियर है। यस सर। अगर ऑपोजिट सेंस में करंट फ्लो करे ना तो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से ज्यादा हो जाता है, राइट। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक बात आ रही है, ठीक है। चलो अरेंजमेंट ऑफ बैटरीज तो अब हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मैक्सिमम पावर थ्योरम है उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको हटा दूं। देखो, ये बैटरी है मान लो, हाँ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और बाहर से जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, ये ईएमएफ है, ठीक है।
और ये करंट है, राइट सर? सर बाहर से मतलब जो बैटरी के बाहर ना, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस है, मतलब बैटरी को यूज कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना? यस उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर लिखा है, क्या इसको लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोड रेजिस्टेंस, हाँ कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है जी सर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द करंट? ई दिया हुआ, स्मॉल आर दिया हुआ और कैपिटल आर हमको पता है, व्हाट इज आई? ई बाय आर, ध्यान से सोच के बताओ, ई बाय ई माइनस आई आर बाय आर। हाँ तो सॉल्व करके रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ, सही बाय आर माइनस आई ये आएगा? अरे भाई देखो, ई माइनस आई आर, हाँ माइनस आई कैपिटल आर, ये ना भाई करंट तो यूं फ्लो करेगा ना, क्या इक्वल टू जीरो, केवीएल कंप्लीट, वापस वही आ गए ना हम लोग, आ रहे समझ में? नहीं। मान लो करंट आई है तो टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? E माइनस आई आर, हाँ, और यहां से जब यहां जाएंगे तो यहां क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यहां से मूव करके जब हम यहां जाएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? आई आर, टोटल वापस वहीं पहुंच गए ना? Yes. ये क्वेश्चन नहीं बना? यस सर। तो सॉल्व करके क्या आया? कैपिटल आई इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे, कैपिटल आई छोड़कर सब पता ही है ना तुमको? जी सर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? यस ठीक है, तो अब बताओ, मान लो कैपिटल आर को हम चेंज कर सकते हैं, क्या मतलब इफ वी कैन चूज अ लोड रेजिस्टेंस, मतलब ई दिया हुआ स्मॉल आर दिया हुआ, ठीक है क्वेश्चन लिखो, मतलब ये थ्योरी का पॉइंट लिख लो, इफ फॉर ए गिवन बैटरी, बैकेट में लिख दो ई और आर, इफ फॉर ए गिवन बैटरी, मतलब ई एंड आर इज गिवन, इफ फॉर ए गिवन बैटरी load resistance is adjustable, adjustable का मतलब क्या हुआ? If for a given battery load resistance is adjustable, adjustable का क्या मतलब हुआ भाई? Variable, हाँ कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब variable हुआ, हाँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, ठीक है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर गिवन टू इट इज मैक्सिमम, कैपिटल आर की क्या वैल्यू रखें कि कैपिटल आर को मैक्सिमम पावर मिले, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर गिवन टू कैपिटल आर इज मैक्सिमम, बताओ भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर गिवन टू कैपिटल आर इज मैक्सिमम, बताइए
जीरो अरे नहीं भाई जीरो कैसे हो? ठीक है आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये कैसे होता है देखो, पावर ऑफ कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर। हाँ ठीक है, यानी ई स्क्वायर इनटू कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, ये बनाना ऐसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ एक तो तरीका है डिफरेंशिएट कर दो, एक ज्योमेट्री से देख लो। ठीक है आइडिया ये है कि हमारे पास क्या है, स्मॉल आर तो गिवन है, ठीक है कैपिटल आर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है चलो इसको तुम करके लाना, ठीक है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तो आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए, कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? ठीक है ओके जी सर, चलिए ठीक सर। ठीक है यस ओके। हटा दें।